हेयर स्ट्रेट करते टाइम सबसे पहले हम बालों को हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करते टाइम सबसे पहले हम अच्छे तरीके से बालों को हेयर वॉश करेंगे और पूरे पूरे चारों तरफ के बालों को अच्छे तरीके से हेयर वॉश करेंगे ताकि जितनी डस्ट हो, ऑयल हो, वो अच्छे रिमूव हो जाए। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश कर रहा हूँ, पूरे हेड पे अच्छे तरीके से हेयर वॉश कर रहा हूँ ताकि जितनी डस्ट हो, ऑयल हो, वो पूरा रिंस हो जाए, पूरे अच्छे तरीके से निकल जाए। तो हम हेयर वॉश के बाद गाइस स्ट्रेटिंग का फर्स्ट क्रीम स्टिक्स प्रोफेशनल कैनो कंपनी का हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट स्टिक्स कैनो लाइन। हेयर वॉश के बाद हम बालों को टॉवल ड्राई करेंगे। जब भी हम केमिकल वर्क करते हैं तो केमिकल प्रोडक्ट उतना ही निकालें जितना हमें नीड हो। अधिक केमिकल प्रोडक्ट निकालने से वेस्ट भी हो जाता है कभी कभी, तो इस केस में प्रोडक्ट उतना ही निकालें जितना हमें नीड हो, बाकी और भी रिक्वायरमेंट हो तो निकाल लें दोबारा। जब भी हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करें तो रूट से 1 इंच छोड़ के क्रीम को लगाएं ताकि प्रोडक्ट स्कैल्प पे ना लगे।
और क्रीम को लगाने के बाद हम टेलकॉम से उसको कॉम करें ताकि प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बालों में लग जाए। देन उसको अच्छे तरीके से इमल्सिफाई करें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छे तरीके से इमल्सिफाई करें। फर्स्ट नंबर क्रीम अप्लाई करने के बाद हम बालों को सेपरेट करेंगे और उसके बाद से बॉन्ड टूटने तक का इंतज़ार करेंगे। जब बॉन्ड टूट जाए तब अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। मैं यहाँ सिल्वर पेपर लगाया हूँ ताकि फैन चल रहा था तो फैन से हेयर इधर उधर ना उड़े और स्ट्रेट रहे। प्रॉपरली टेम्परेरी मैंने सिल्वर पेपर लगाया था एज ए हल्के पोजीशन में। तो गाइस आज हम लोग स्टिक्स का कैनो कंपनी का स्टिक्स कैनो कंपनी का आज स्टेटिंग हो रहा है और मैंने इसका फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अप्लाई करने वाले वेट करेंगे बॉन्ड टूटने तक। जब तक बॉन्ड मेरा टूटेगा उसके बाद हम लोग न्यूट्रलाइज इसको करेंगे। तो ये भी फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने से पहले हम लोग को बेसिक नॉलेज रखना चाहिए कि हमें क्या क्या बचाना चाहिए। फर्स्ट क्रीम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी ये होता है कि हेयर के स्कैल्प से एक इंच हेयर छोड़कर आप क्रीम को अप्लाई करें, नहीं तो केमिकल प्रोडक्ट के रूट खराब हो जाता है। उसके बाद मैंने शावर कैप लगा दिया था इनको क्योंकि इधर फैन चल रहा है। देन उसके बाद अगर हवा लगे तो बाल इधर ना हो। तो फाइनल रिजल्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करने के बाद हम हेयर को 90% तक ब्लो ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम आयनिंग करेंगे फुल पे करके आयनिंग करेंगे पूरा बालों को पतले पतले सेक्शन के साथ।
प्रॉपर तरीके से, छोटे छोटे बाल हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट प्रॉपर तरीके से पतले पतले सेक्शन लेके हम आयरनिंग करेंगे। आयरन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप न्यूट्रलाइजर लगाएंगे ताकि जो भी वर्क अपने हेयर पे हुआ है वो न्यूट्रलाइज कर दें। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you for watching this my video.